रविवार को आए भूकंप के झटके से गौराबोराम प्रखंड क्षेत्र के बड़गांव मुसहरी में रविवार की सुबह आई भूकंप से 2 फुट का घर गिर गया। बताया जाता है कि बेचन सादा एवं दुखिया देवी का घर अचानक गिर गया, जिससे दोनों घर के लोग खुले आसमान के नीचे रहने पर विवश है। वहीं पीड़ितों ने बताया कि सुबह में हम लोग अपने बच्चों के साथ घर में सोया हुआ था कि तभी अचानक घर का कुछ हिस्सा जमीन पर गिरा, जिसकी आवाज़ सुनकर हम लोग बाहर आए और हल्का सा झटका महसूस भी किए। अब दोनों घर टूट जाने के कारण दोनों घर के लोग बाहर रहने पर मजबूर हो गए हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रीत इस संबंध में। बेचन सादा घर बड़गांव। अच्छा, क्या हुआ, कैसे आपका मकान गिरा है? भूकंप में 8 बजे गिर गया, खाना बनाया इसीलिए हम घर से भागा। अच्छा, कितने बजे भूकंप आया था? 8 बजे। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि आपका मकान गिर गया? मकान कैसे गिर गया हमको पता था, ये सुहा था ना, तो हमको पता आ गया कि धरती डोलता था। आप सो रहे थे? तो जमीन डोलने लगा वो पता चला? हाँ, पता चला। अच्छा, फिर घर गिरा तो फिर आप घर में सो रहे थे? हाँ, घर में सो रहे थे। तो कैसे भागे? तो हम जान बचा के भागे सारे बाल बच्चे। अच्छा, कौन कौन आपके साथ सो रहा था? हमको बाल बच्चा 2 था, हम था। आपकी पत्नी क्या कर रही थी? हमको बीबी खाना बनाता था। अच्छा, तो मतलब घर गिर गया है? घर गिर गया। तो अब आप कहाँ रहेंगे? आपका घर का दूसरा घर तो है नहीं आपके पास? नहीं। तो कैसे रहेंगे? तब इसी में रहेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, करते क्या हैं आप? हम तो काम करते हैं, बोरी उठाते हैं। बोरी उठाते हैं? हाँ। कहाँ काम करते हैं? मथुरे में। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या कर चाहते हैं? अभी हम घर द्वार नहीं है, क्या करेंगे, घर पर रहेंगे। तो घर गिर गया, हमको सरकार घर तो दिया।